नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो जॉब रिलेटेड वीडियो होने वाला है। जो नई वैकेंसीज, जो नई ओपनिंग्स आई हैं वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं हूं सुनील यादव, आप देख रहे हो क्रूज वाली दुनिया। सो दोस्तों, जो नई जो वैकेंसी है हमारी, वो जो जो कंसल्टेंसीज हैं उन्होंने निकाली है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, जिससे आपको पता चल सके कि कौन सी वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर है, क्या कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है, और काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अभी थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी बताऊँगा मैं। बिल्कुल स्क्रीन पर चलते हैं, सारी डिटेल्स मिलेगी। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर। सो गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे देखिए, ये है हिरन इंटरनेशनल ने जो जॉब ओपनिंग निकाली है, वो है स्टेट रूम अटेंडेंट। जी हाँ, सो सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि स्टेट रूम अटेंडेंट जो हो वो इंडिया से अभी तक डायरेक्ट ले ही नहीं रहे थे। वो अगर वो लकी था जिसको अगर किसी को ले लिया हो, डिनाई नहीं करता हूँ, बट मैंने बहुत कम ऐसा सुना था कि स्टेट रूम अटेंडेंट डायरेक्ट आ रहे हैं इंडिया से। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। ज़्यादातर ये जो कंपनियाँ थी वो दोस्तों क्या करते थे, ये लोग लेते थे एज अ पब्लिक एरिया अटेंडेंट। जी हाँ, पब्लिक एरिया अटेंडेंट में क्या था दोस्तों कि आपको आना है और पब्लिक एरिया की जो साफ़ सफाई, क्लीनिंग वगैरह वो करना है, और उसके बाद प्रमोशन जो है इतनी जल्दी होता नहीं था, 2-3-4 साल के बाद प्रमोशन होता था, ठीक है। उसके बाद आपको जो है स्टेट रूम अटेंडेंट मिलता था। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। देखिए, पहले तो ये कह रहे हैं अप्लाई ऑन आवर वेबसाइट www.hirenintarnational.com पे। तो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्रूज़ और लग्जरी होटल्स, शिप बोर्ड एक्सपीरियंस प्रेफर्ड। अगर आपने शिप पे काम किया तो प्रेफर किया जाएगा, नहीं तो आपने होटल में काम किया है तो 2 साल तो आपको जो है ये जॉब मिल सकती है। गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल आपको गैस से इंटरेक्शन करना है, इसलिए एबिलिटी टू हैंडल गैस रिलेशन इफिशेंटली। जी हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, तो इसको ना आप अप्लाई करिए फटाफट, ठीक है। और इसके बारे में चलो थोड़ी सी बात और करते हैं। तो चलो अभी चलते हैं हम कैमरा के सामने, अभी इसको यहाँ पे करते हैं स्टॉप, ठीक है जी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं, इस पोजीशन के बारे में। ये जो पोजीशन है दोस्तों, वो मोटा पैसा कमाने वाली जो है वो जॉब है, जो मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ कि एक बार डिपार्टमेंट है जहाँ पैसा खूब बनता है, दूसरा एक हाउस कीपिंग है जहाँ बनता है, रेस्टोरेंट है वहाँ बनता है, और अगर कोई जो है वो डील करता है स्वीट्स और ये जो 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 गेस्ट हैं कंसियर्ज या फिर डायमंड क्लब वाले, वो गेस्ट सर्विसेज से बंदा होता है, वो इनको जो है सर्विस प्रोवाइड करता है, तो वो बहुत अच्छे पैसे कमाता है। काफ़ी और अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं जहां पैसा कमाया जा सकता है, बट मैं नॉर्मल 3-4 डिपार्टमेंट्स आपको बताते हैं, जिनमें से ये एक है स्टेट रूम अटेंडेंट। जी हाँ, स्टेट रूम अटेंडेंट के बारे में मैंने वीडियो शायद बनाया होगा, नहीं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा किसी भाई, अभी तो मैं ऑन बोर्ड हूँ, आप देख रहे होंगे, ये लाइब्रेरी में बैठा हूँ, आप जो मेरे पीछे की बैकग्राउंड देख रहे हो दोस्तों वो है लाइब्रेरी। चाहो तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में दिखा दूंगा कैसी दिखती है, बट आप अंदाज़ा लगा सकते हो बैकग्राउंड से कि मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, और लाइब्रेरी में इसलिए बैठा हूँ कि थोड़ा सा कूल है, शांति वाला जो है वो जगह है। यहाँ पे कोई अभी है नहीं, एक बंदा था वो मसाज ले रहा था बैठ के चेयर पे, चेयर मसाज यहाँ रखी हुई है, वो दिखाऊंगा मैं कभी किसी वीडियो में, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आके बैठा हूँ, अभी जो टाइम है वो 9:30 के आसपास है, ठीक है, इवनिंग का, और अभी यहाँ से वीडियो बनाने के बाद जाके मैं सो जाऊँगा सुबह, क्योंकि टर्न अराउंड है और जल्दी जो है उठना है, 5:30 मेरी ड्यूटी है, तो एटलीस्ट मुझे 4:45 तो उठना पड़ेगा, ठीक है, फिर रेडी होना पड़ेगा और फिर ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। तो जिस दिन टर्न अराउंड डे होता है, टर्न अराउंड डे से बता दूं मैं आपको कि जो टर्न अराउंड डे है वो जिस दिन हमारे जो क्रूज़ जो है वो नया क्रूज़ शुरू होता है, पुराना क्रूज़ ख़त्म होता है, तो पुराने गेस्ट बाहर जाते हैं, नए गेस्ट आते हैं, तो इसलिए इसको हम टर्न अराउंड डे कहते हैं। तो कल वो है, इसकी वजह से मुझे यहाँ से जल्दी से फिनिश करके जाना होगा। लेट्स पॉइंट पे आते हैं, मैंने काफ़ी तका बहुत बातें कर ली आपसे, तो मैं बता रहा था इसका जो काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ कितनी होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेंथ जो है वो होती है लगभग 6 महीने की, स्टेट रूम अटेंडेंट की, तो 6 महीने काम करना है, और जो है आपकी सैलरी जो है, जो बेसिक सैलरी है वो डिपेंड करता है क्रूज़ लाइन के ऊपर, तो 1200-1500 ऐसा हो सकता है अलग अलग क्रूज़ लाइन में, बट वो सैलरी पे आप मत जाइए, सब पैसा इसका टिप का खेल है दोस्तों। जी हाँ, कम से कम एक एक आदमी 20 से 25 रूम बनाता है,
ठीक है, ये अलग अलग क्रूज लाइन में कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है भाई। तो टिप टिप से भी काफ़ी अच्छा पैसा, मतलब एक एक जो रूम है ना वो यार 50-100 डॉलर से कम दे के जाता नहीं है, ठीक है। कोई कोई 100 डॉलर, और अच्छे अगर आप लकी हो, अच्छे पुराने हो, अच्छी सर्विस देते हो, आपको स्वीट्स और कंस ये जो डायमंड प्लस ये सब अगर गेस्ट पिनाकल मेंबर ये सब मिल गए ना स्वीट्स जो रूम के, तो वो तो यार लिफाफे के अंदर 200-300 डॉलर भी रखे जाते हैं। तो आप 50-100 डॉलर से ही लगा लीजिए। अभी जो मैं क्रूज़ कर रहा हूँ वो 3 डेज 4 डेज है, तो हर 3 डेज में क्रूज चेंज हो जाता है। अगर 50 डॉलर भी दे रहा है दोस्तों, तो 50 डॉलर अगर दे रहा है एक रूम, आप 25 रूम कर रहे हो तो भी आपका देख लो 1200-1250 बन गया एक क्रूज का, एक क्रूज का, ठीक है। 1200 डॉलर, 1250, 50 के हिसाब से, और 100-100 को ही देखे जाएगा, 1500 लगा लो आप यार, 1500 बन गया एक क्रूज का, ठीक है। एक क्रूज मतलब 3-4 दिन, 7 दिन लगा लो, हटाओ यार 3-4 दिन, 7 दिन। फिर भी अगर महीने में 4 क्रूज आपको मिले, 1500 ऐसे बन गया, कितना बना भाई, 6000 डॉलर बन गया, और आपकी सैलरी हो गई 1500-2000 जो भी है, 1200-1500 जो भी है, 1500 के आसपास लगा लो, 6-7 हज़ार डॉलर, 6-7 हज़ार डॉलर भी छोड़ो यार, 5000 तो कमाएगा कम से कम, 5 से 6 हज़ार, इससे कम नहीं कमाता है स्टेट रूम अटेंडेंट। 5 हज़ार डॉलर होते हैं दोस्तों 4 लाख रुपए, 4 से 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कहीं नहीं गया, 5 लाख से कम तो कमाता ही नहीं है स्टेट रूम अटेंडेंट दोस्तों। तो एक क्रूज में कम से कम 30 लाख रुपए लेके जाता है, अगर आप कैलकुलेट करोगे 6 महीने किया खाली, तो अगर उसने एक्सटेंड किया 7 महीने किया, तो फिर मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो, 35 लाख लेके जाएगा, नॉट अ बैड, ठीक है। बहुत अच्छी जो है वो पैसा है इसमें, बट मेहनत है दोस्तों, ठीक है। आपको कमरा जो है वो चकाचक करना पड़ेगा, वो मेहनत है, 20-20 रूम बनाना, 25-25 रूम स्टार्टिंग में जो है वो काफ़ी मेहनत वाला काम है। तो आप हेल्प भी ले सकते हो, मैंने अदर वीडियोज़ में बताया है कि साइड जॉब लोग करते हैं, तो साइड जॉब में आप किसी को दे सकते हो। 6-7 हज़ार डॉलर अगर आप यार कमा रहे हो, 6 लाख रुपए कमा रहे हो, तो उसमें से थोड़ा बहुत दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 6-7 लाख रुपए कमा रहे हो, ठीक है। तो जो है कोई दिक्कत वाली नहीं, बात नहीं है, बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। तो इसमें फटाफट आप अप्लाई करिए। अभी हमने बात कर ली है कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की, सैलरी की बात कर ली है दोस्तों। बेनिफिट्स तो जो है वो सब जो सबको मिलते हैं वो आपको मिलेंगे, मरीन में थोड़े ज़्यादा बेनिफिट्स है, इसमें थोड़े कम है। मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलती है, ठीक है, और आपका जो है टिकट वगैरह जो है वो आपको एक साइड का देना होता है अभी भी शायद, हाँ एक एक साइड का जो है आपको देना होगा, तो टिकट आपको देना है। बाकी यूनिफॉर्म आपको ख़रीदनी पड़ती है, ये आपको मैं बता दूं, क्लियर सारी चीज़ें कर दूं। तो फ़्लाइट टिकट आपकी बात मैंने कर ली, मेडिकल की कर ली, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ की कर ली, ठीक है। सैलरी अच्छी खासी है ही, हाँ थोड़ा सा मेहनत का है, झुकना पड़ता बार बार, तो थोड़ा ये कमर है ना तो भाई इसे संभाल के रखना होता है, बट कुछ दिन के बाद, 1-2 कॉन्ट्रैक्ट बाद आप जो है परफेक्ट हो जाते हो, और फटाफट फटाफट सारे काम निपटा देते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस जॉब। या अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उनके सारे जवाब देने की कोशिश करूंगा। हालांकि यहाँ इंटरनेट की थोड़ी सी दिक्कत होती है ऑन बोर्ड, क्योंकि फ्री नहीं है। आपका ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो भी मुझे कहीं बाहर टर्मिनल में या और कहीं जाके बाहर का वाईफाई यूज करके जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ईजी नहीं है। कोशिश करता हूँ कि आपको एटलीस्ट वीक में तो एक वीडियो मैं दे सकूं। जी हाँ, मेहनत वाला काम है दोस्तों। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट जरूर करें, और शेयर भी करें दोस्तों, क्योंकि इंटरनेट का मैंने और भी वीडियो बनाया होगा, क्योंकि यहाँ का इंटरनेट माशाल्लाह है, मतलब यार ये हमारा लैंड वाला नहीं है कि फाइबर केबल वाला, ये फास्ट स्पीड वाला नहीं, ये सेटेलाइट से हमें मिलता है, एट सी मिलता है। अगर मैं आज वीडियो अपलोड करने पर लगाऊंगा ना 10-15 मिनट की, तो ये 24 घंटा नहीं 48 घंटे में अपलोड होगा, कम से कम 48 घंटे लेगा, वो बहुत ही स्लो स्पीड है, ठीक है। बात बात तो व्हाट्सएप पे हो जाती है, तो यार अभी और ऊपर से चार्ज लगता है, तो ठीक है अगर मैं चार्ज भी दे भी दूं और वीडियो भी अपलोड ना हो पाए तो कोई मतलब नहीं है। और फिर व्यूज़ तो माशाल्लाह तुम्हें पता ही है यार कि कितने लोग देखते हैं वीडियो, 300-400 लोग देखते हैं, तो उसमें तो क्या पैसा बनेगा, मतलब खर्चा भी नहीं निकलेगा। तो इसलिए कोशिश आपके लिए करता हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो ये मेरी हॉबी कह लो,
ये हॉबी है, वीडियो बनाना पसंद है, इसलिए मैं बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा कल टर्न अराउंड डे, अगर 5-10 मिनट के लिए मुझे टर्मिनल जाने का मौका मिला तो मैं जाऊँगा और ये अपलोड कर दूँगा, तो आप तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। लव यू ऑल, जय हिंद, रखिए अपना ख्याल और घर वालों का ज़रूर।